गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक ट्रांसमिशन मोड्स। इसमें क्या है, हमने कल ट्रांसमिशन मोड के बारे में बताया था, ठीक है। क्या होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइस कैन बी सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। दो डिवाइसों के मध्य डाटा का आदान प्रदान करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, चाहे वो सिंप्लेक्स हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स हो सकता है और फुल डुप्लेक्स हो सकता है। इसमें हमने कल क्या है, सिंप्लेक्स के बारे में हमने डिस्क्राइब किया था। आज क्या हम बता रहे हैं, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम, यानी एक समय में ही क्या है, इसमें एक तरफ से डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। जिसमें क्या है, इसमें अब जैसे वन टाइम है, यानी एक समय में एक ही डेटा हम ट्रांसमिट कर सकते हैं एक तरफ से। अब इसमें क्या है, स्टेशन वन स्टेशन टू, हमने दो डिफाइन कर रखे हैं। इसमें क्या है, एक इधर से हमने जैसे लिखा है डिस्क्राइब डायरेक्शन ऑफ डाटा एट टाइम, यानी एक समय में हमने कोई भी डेटा ट्रांसमिट किया तो इसको क्या हम सेंडर कह सकते हैं और इसको क्या हम रिसीवर कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने इधर को डेटा एक समय में ट्रांसफर किया और इसने क्या है, रिसीव कर लिया, लेकिन क्या उसी समय एट ए वन टाइम उसी टाइम क्या है, इधर से डेटा इधर नहीं ट्रांसमिट हो सकता है। जब हम दूसरा टाइम जैसे इस समय हमने डेटा को इधर को ट्रांसमिट किया तो उसी समय में हम क्या है, इधर से भी डेटा इधर ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। अब क्या है, अब अगर हम ये टाइम ये चेंज कर दें, ठीक है, तो इस समय पे हम क्या है, इधर से हम डेटा सेंडर ये हो जाएगा और रिसीवर अब ये हो जाएगा, अब इधर से हम इधर डेटा फ्लो कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे वन वे कोई रूट हो, ठीक है, जैसे एक पुल है, अब एक ही समय पे एक ही फोर व्हीलर इधर से जा सकती है और उधर से भी आ सकती है, तो क्या है, एक ही डाटा हम क्या है फ्लो कर सकते हैं। जैसे वॉकी टॉकी, इसमें क्या है, एक तरफ से हम इधर से हम बात कर सकते हैं, जब हम बात अपनी पूरी कर लेते हैं भेज देते हैं, उसके बाद में क्या है, उधर से हमारी बात आती है, ठीक है। ये हमारा इस तरह से है, ठीक है, ओके, थैंक यू।